इंतबा जम्मू कश्मीर टीवी रियासत के हर बेजुबान तबके की तर्जुबानी करता है। जेके टीवी जो इजहार राय की मुकम्मल आजादी पर यकीन रखते हुए बैनुल अक्वामी तौर पर मंजूर और तस्लीम शुदा हक के इजहार राय का पासदार होने के साथ साथ ये वाजे करता है कि इदारा किसी भी शो में होने वाली गुफ्तगू या इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का जिम्मेदार नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। प्रोग्राम पूरा सच में आप सबको खुश आमदीद। और आज के पूरा सच में हम बात कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में कौमी आज़ादी की सियासत और तहरीक और जद्दोजहद की कहानी पर कि रियासत जम्मू कश्मीर में कौमी आज़ादी की जद्दोजहद कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई और किन मराइल से गुजरकर अब कहाँ खड़ी है और आइंदा क्या आसार और इम्कानात नजर आ रहे हैं। ये कहानी बयान करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल खसूसी मेहमान मौजूद हैं जो इस कहानी के मरकजी करदार, एक मरकजी करदार रहे हैं। और हम उनके साथ बात करेंगे और वो हमें खुलकर बताएंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब क्या हो रहा है, आइंदा कायम करना है। एक्सक्यूज मी। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा तनाजर कि जो लोग इससे वाकिफ नहीं है उनके लिए कि 1947 जब 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को पाकिस्तान और भारत दो कौमी रियासतों की शक्ल में वजूद में आए, दो आजाद मुल्क वजूद में आए, बरतानवी नौबादियाती राज के खिलाफ जद्दोजहद के नतीजे में और दुनिया के बदलते हुए हालात के बायस, तो रियासत जम्मू कश्मीर ना तो भारत का हिस्सा थी न पाकिस्तान का, और बरतानवी राज के साथ भी उसके तमाम वायदे खत्म हो चुके थे। सो टेक्निकली और अमली तौर पर रियासत जम्मू और कश्मीर 14-15 अगस्त को आजाद रियासत की हैसियत से मौजूद थी, लेकिन ये आजाद कौमी रियासत नहीं थी। यानी कि ये आजाद रियासत यूनाइटेड नेशन अक्वामे मुत्तहिदा की रुकन रियासत नहीं थी, लेकिन ये किसी और मुल्क का हिस्सा उस वक्त नहीं थी। आईनी, कानूनी, टेक्निकली ये रियासत आजाद थी और अमली तौर पर भी इस पर ना तो पाकिस्तान का उस वक्त कब्जा था या इख्तियार था या इंतजाम था, ना भारत का, ना पाकिस्तान का, और ना ही जाने वाले बरतानवी हुक्मरानों का या बरतानवी राज का। और इसकी हैसियत ये थी कि तीन दिन कबल पाकिस्तान को और भारत को यहाँ के उस वक्त के हुक्मरान हरी सिंह ने दो टेलीग्राम्स भेजी थी कि मेरे साथ तल्लुकात ऐसे ही बहाल रखो जैसे बरतानवी
हुक्मरानों के साथ थे, जैसे मेरे तलकात ब्रिटिश इंडिया के साथ थे यानी बरतानवी हिंद के साथ थे, वैसे ही मेरे साथ अपने तलकात जारी रखें। पाकिस्तान ने ये माहदा कबूल किया हुआ था और भारत ने इसके लिए मजीद वक्त मांगा था और कहा था कि कोई आए वहां मैंडेट के साथ और मजीद इस पर बात करते हैं। अगस्त से यानी कि 15 अगस्त से 22 अक्टूबर तक ये रियासत अंदरूनी तौर पर एक जो सियासी जद्दोजहद थी वो यहाँ मौजूद रही और यहाँ पर जो जमहूरी अमल था जो 1931 में शुरू हुआ था वो अलबत्ता वो एक तरह से रुक गया, क्योंकि जो सियासी बड़ी जमातें थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो भारत और पाकिस्तान की तरफ चल निकली, जो इससे पहले यहाँ इस रियासत को एक आइनी बादशाहत बनाने के हक में थे, बदतरीज एक भारत की तरफ चल निकला, एक पाकिस्तान की तरफ चल निकला। और फिर 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से कबायली यलगार हुई, जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है कबायली यलगार, यानी कि कबायली जत्थे पाकिस्तान के इलाकों से रियासत जम्मू कश्मीर की हदूद में दाखिल होने लगे और इस बुनियाद पर या इस दावे के साथ कि रियासत में मुसलमानों को खतरा है, महाराजा भारत के साथ चला जाएगा और कश्मीर की रियासत हमारे हाथ से निकल जाएगी और वहां पर अक्सरियत मुसलमानों की है, लिहाजा उनका उनकी हफाजत करना करने के लिए हम ये इकदाम उठा रहे हैं। उस तरफ महाराजा हरि सिंह के दोस्त महाराजा पटियाला के कुछ फोर्सेस की मौजूदगी के भी शवाहिद मिलते हैं जम्मू में, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि उस वक्त तक उन्होंने कोई हमला किया या कोई इस तरह की सरगर्मियां की, लेकिन बहरहाल रियासत मैदान जंग बन गया और फिर महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इलहाक किया 26 अक्टूबर को और 27 को गालबन भारत की अफवाज कश्मीर में दाखिल हो गई और फिर पाकिस्तान की अफवाज भी दाखिल हुई और ये बाकायदा जंग बन गई और इसके बाद जंग बंदी करवाने के लिए मामला भारत की तरफ से अक्वामे मुत्तहिदा में ले जाया गया, पाकिस्तान ने उसको कंटेस्ट किया वहां जाकर और ये एक तरह से एग्री हुए जी के फौजें निकालेंगे पहले पाकिस्तान फिर भारत और उसके बाद रेफरेंडम होगा और जो लोग फैसला करेंगे। लेकिन उसकी जब तफसीलात में जाते हैं तो इसके बाद भी करारदादें आई और लेकिन ना तो भारत की फौज निकली ना पाकिस्तान की फौज निकली और रियासत एक तरह से मकबूजा इलाका बन गया पूरी रियासत। और लगता था कि उस वक्त जहां जंग बंदी करवाई थी अक्वामे मुत्तहिदा ने, जो जंग बंदी लकीर बनी, लगता था कि ये एक तरह से मुकम्मल तकसीम है, बड़ी परफेक्ट तकसीम है, क्योंकि ये इलाके जिनको अब हम आजाद कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान के जेर इंतजाम है, इन इलाकों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो जमात थी उसकी बड़ी अक्सरियत थी और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भारी अक्सरियत थी, तो सियासी तौर पर कम अज कम ये एक ऐसी तकसीम नजर आती थी जिसके खिलाफ कोई मजामत नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलाके पाकिस्तान की दाई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया से इलाक की तोसीक कर दी थी और वो उस पर काने थे, खुश थे। तो ये तकसीम लगती थी कि एक ऐसी तकसीम है जिसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ताहम मीरपुर में 1950 से ही एक छोटी सी तंजीम कायम हो गई, जम्मू कश्मीर अवामी कॉन्फ्रेंस, जिसने कहा कि ये जो तकसीम है और जो भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर नारा है हम उसको नहीं मानते। तो ये बदतरीज चलती रही बात आगे और 1966 में बकायदा यहाँ पर कौमी आजादी की पहली तंजीम बन गई जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और 1971 में जब हाँ मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे तो दो नाम जो वो मतलब उस वक्त तो हम दो ही समझते थे, बाद में पता चला कि तीन थे, लेकिन वो ये था कि हम जब स्कूल में थे तो दो नाम गूंजने लगे हर तरफ
कि एक तो दो नारे गूंजने लगे, एक तो ये कि आजादी का एक ही ढंग, गुरीला जंग, और दूसरा ये कि आजादी के तीन निशान आशम अशरफ और ईमान हम समझा करते थे, लेकिन बाद में ये भी पता चला जी कि नहीं, ईमान की बात नहीं हो रही थी, अमान की बात हो रही थी, और वो अमानुल्लाह खान थे, ये अब बाद में पता चला। तो ये जो 71 का ये जमाना था, ये वो जमाना था जब नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से दो नौजवानों ने भारतीय त्यारा गंगा अगवा किया, जब वो गालबन श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था, इसकी तस्दीक हम कर लेंगे। तो वहां इन दो नौजवानों ने उस त्यारे को अगवा करके ये उसको लाहौर ले आए। ये दो नौजवान थे आशम और आशम क्रैशी और अशरफ क्रैशी। तो अशरफ क्रैशी तो चंद साल कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आशम क्रैशी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे उनकी जबानी, उनके इस पूरे सफर की कहानी सुनेंगे, जो उनका भी सफर है और रियासत जम्मू कश्मीर में कौमी आजादी की तहरीक का भी सफर है। तो हम मैं सबसे पहले तो अब आशम साहब को वेलकम कहता हूं। सब दोस्तों साथियों, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। सारी थोड़ा मेरा तारफ लंबा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी था उन लोगों के लिए जिनको इसका पस मंजर नहीं पता। तो आपसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, क्योंकि ये आपकी कहानी है, आपकी जिंदगी का सफर है, तो हमको इसको इसी तरह से ही लेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि पहली बार आपने नेशनल लिबरेशन फ्रंट या मकबूल भट्ट का नाम कब सुना, कहां सुना, किन हालात में सुना, आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? देखिए, मैं ये मुझे याद है, मैं 53 में पैदा हुआ हूं, तो 68 में मैं लाल चौक में कहीं गया हुआ था, तो मैंने पोस्टर देखे बड़े बड़े, मकबूल भट्ट को पकड़ने वाले को 15,000 या 20,000 इनाम देंगे, ये पोस्टर थे, क्योंकि उस वक्त मकबूल भट्ट साहब सेंट्रल जेल श्रीनगर से भाग गए थे, और ये पोस्टर से पहले उस वक्त मैं पहली दफा मकबूल भट्ट का नाम सुना। हमने क्या किया, हमने लड़के स्कूल के ले आके हमने ये सारे पोस्टर जो भी श्रीनगर में ये लगाए गए थे दीवारों से उतार दिए। इस तरह मकबूल भट्ट की पहला तारुफ ये हुआ। क्यों उतारे आपने, क्या उस वक्त आपको पता था कि मकबूल भट्ट कौन है? नहीं, वो कश्मीर में कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कश्मीर में कश्मीर के मुल्क की आजादी के लिए हर आदमी जो ना अंदर से तैयार है। तो जिस वक्त हमने ये देखा कि एक आदमी जेल से भागा है, मैं मकबूल भट्ट को उस वक्त तक नहीं जानता था, दो तीन आदमी ये भागे, इनके लिए पोस्टर छपे हैं, तो हम ये समझते थे ये पोस्टर उतार के बहुत सारे लोगों को जो पता चलेगा वो कम होगा। तो उसके बाद ये उसी दौर की कहानी है, 69 का जनवरी में हमें जो है ना, मेरे जो मामू दो थे वो पाकिस्तान में थे, तो मेरी नानी और मेरी माँ और ये सारे मामू शामू कश्मीर में, हमें उन दिनों पासपोर्ट मिला, मेरी नानी को, मुझे और मेरी बहन और मेरी माँ को और मेरे एक मामू को पासपोर्ट मिला, और हमने वीजा लगवाया दिल्ली से, और हमें गंडा सिंह वाला से क्या नाम है बॉर्डर क्रॉस किया। उन दिनों ये बंद था अपना, ये जो वागा का बक था, तो मैं आया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया, उस वक्त हम जाहिर है इलाके पाकिस्तान के हामी थे, तो मेरे वालिद साहब भी वैसे पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में थे, तो इसलिए वो इलाके पाकिस्तान के हामी थे। तो जिस वक्त गंडा सिंह वाला बॉर्डर में आया, तो मुझे मेरा वो जज्बातीपन था, तो मैंने जमीन को झुक के चूमा है, तो एक वहां पे एक पठान किस्म का रेंजर का था, वो आगे कहता है खोचा क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपको नहीं पता, ये हमारे लिए मक्का मदीना है, मैं इसको चूम रहा हूं जमीन को। कहता है खोचा तुम्हें पता लगेगा, अंदर जाके मक्का मदीना देख लो। मैं इस मतलब को नहीं समझा, मैंने कहा ये
वैसे ही कह रहा है जाके अंदर, अब जा रहे हो मक्का मदीना देख लो। बाद में ये पता चला कि वो क्या, इसकी तशबी क्या थी। तो फिर हम पेशावर, चूंकि पेशावर आए थे शादी, पेशावर शादी में आए हम, तो वहां पे पता चला मकबूल भट्ट का नाम हुआ, तो उन्होंने कहा वो तो यही रहते हैं। तो मैं अपने मामूजद भाई के साथ इनके घर गया, तो भट्ट साहब का घर देखा, मछली की बो आ रही थी। तो देखा तो नीचे वो मछली का वो सारा थोक के हिसाब से बिक रही है, ऊपर ऊपर मंजिल में भट्ट साहब रहते थे। तो हम गए ऊपर, उसका चाचा मिला, उसकी बेगम मिली, उन्होंने कहा जी वो पिंडी गए हुए। मैं कहा ठीक है जी, उनको ये कह दे कि श्रीनगर से मेहमान आए। बहरहाल मुख्तसर ये कि भट्ट साहब मिले, उनसे बातचीत हुई है। तो हमारी मुलाकातें ज्यादा तौर पे खैबर कैफे में होती थी, सदर में। खैबर कैफे में ये जो नेशनलिस्ट अपना पठान वगैरह सारे ये होते थे वहां, भट्ट साहब की इनके साथ बहुत अच्छी बली जान पहचान थी। तो वहां हम बैठे रहे, वहां पे बातें करते रहे। तो भट्ट साहब की मुझे एक ही बात याद है, उन्होंने एक माचिस सामने रखी टेबल पे, उन्होंने कहा ये एक घर है, इस घर पे दो लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और आप जो है ना, आप ये कहते हो कि एक काबिज जो है ना, वो जो दूसरे मजहब का है, उसको निकाल दो और ये इसको दे दो जिसने आधे पे कब्जा किया है। इस तरह आप दुनिया के किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को, किसी भी इदारे को कायल नहीं कर सकते, क्योंकि आप मजहब के नाम पे आधे घर को खाली करके उसी को वो घर देना चाहते हैं जिसके पास आधा कब्जा है। फर्क दोनों का कुछ भी नहीं है, दोनों ने कब्जा किया हुआ है। हमें ये चाहिए कि इन दोनों को निकालो। ये है इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर का तस्वुर, ये भट्ट साहब का। बस उस वक्त ये मेरे जहन में सीधा ये तस्वुर बैठ गया कि भट्ट साहब तो सही कहते हैं, भट्ट साहब तो बिल्कुल अपना अपने घर को खाली कराने का एक रास्ता बता रहे हैं हमें। उन्होंने इस पे मतलब फिर बहस होती रही है, और मैं पहली दफा जिस तरह आप, मतलब आपके साथ वो क्यों ये कर रहे थे, आपको क्यों जानते थे? नहीं नहीं नहीं, वो चूंकि मिले थे ना दो चार पांच दफा, भट्ट साहब का हमेशा से ये काम रहा था, जो श्रीनगर से या जो कोई भी आ जाता थे वो उनके पास जाके ना इस नजरिए को फैलाते थे। क्योंकि एक बात याद रखें, हम जो ये इल्हाक का नजरिया है ना दोनों तरफ, ये सारा कसूर, सारी गंदगी इन्हीं दो नजरियों पे, इसी इल्हाक के नजरिए में हम फंस गए। हमें दुनिया में, हमने बहुत कुर्बानी दी, दुनिया में किसी इदारे ने हमें तस्लीम नहीं किया, दुनिया में किसी मुल्क ने हमें तस्लीम नहीं किया हमारे नजरिए को। उसकी वजह यही थी कि हम लोग इस तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उस तरफ तो शेख अब्दुल्ला का, वो उसने जब पहले इलाहा किया। ठीक है ठीक है, तो आप किसे भट्ट साहब मिले और आप से ये बातें की, तो आपको ये बातें मतलब अच्छी लगी, अपील किया कि हाँ ये ठीक कर रहे हैं? देखिए मैं उस वक्त 15 साल का था, 15 साल के एंड पे पहुंच गया था। हाँ। लेकिन आप ये देखिए ना, मसला ये था कि ये अपील क्यों ना करता मुझे, मैं नौजवान था, मुझे ये कह रहे थे कि ये एक कमरा एक ने खाया है दूसरे ने खाया है, और हम ये कहते थे हमेशा कि उससे लेके इसको देना है। तो ये कोई आजादी की बात नहीं थी, जो भट्ट साहब ने कही वो डायरेक्ट अपील, डायरेक्ट एक किस्म की दिमाग दिल को जो ना वो चोट लग गई। अच्छा, और मैंने पंद्रह साल के थे आप, तो जी जी उस वक्त आप क्या स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में थे, किस का? मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा, मैट्रिक का रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आ गया था, तो मैं पास हुआ था मैट्रिक में। ये आप 53 से रखे ना, 9-7 के 16 साल, तो 16 साल के थे आप। और मैट्रिक किस स्कूल से किया था? वो इस्लामिया हाई स्कूल से, इस्लामिया हाई स्कूल श्रीनगर। जी 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 जी। ओके, तो कितना अरसा रहे फिर आप पेशावर में? हम कोई 6 महीने रहे जी, 6 महीने का ये हुआ, एक तो शादी थी मेरी अमशीरा की, और दूसरी बात यह है कि उसके बाद मुझे एक रास्ता मिल गया, भट्ट साहब के साथ ही रहा, इन्होंने मुझे रावलपिंडी लाया, डॉक्टर साहब से मिलाया,
अपना इन्होंने फिर हम बॉर्डर फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी उन्होंने, नहीं उस वक्त ट्रेनिंग नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप जो है ना आप क्या हमारी तंजीम में आएंगे, फिर तंजीम के बारे में तारुफ हुआ, फिर सेल बनाने के तारुफ रास्ता बताया गया कि अगर आप, जब मैंने कहा ठीक है जी मैं शामिल होता हूँ मुझे क्या करना है, उन्होंने फिर सेल बनाने का कहा कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ सेल बना सकते हैं जिसमें एक दो आदमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक दूसरी सेल को पता नहीं होना चाहिए कौन क्या है। तो ये उन्होंने मुझे इसकी तरबियत दी और नजरियाती तौर पे मुझे उन्होंने जो नजरियाती तौर पे इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात की है, फिर उस वक्त वो जम्मू का मैं तो वही था उसी जहन में कि जम्मू में तो हिंदू रहते हैं तो उधर तो लद्दाख में फलां रहते हैं, कहते कौमी आजादी में मजहब नहीं देखते, कौमी आजादी में रियासत की तशखीस होती है, कौमी आजादी में हर आदमी किसी भी मजहब से हो वो उस रियासत का बेटा और बेटी होते हैं, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कौन क्या है, हमें ये सोचना चाहिए क्या वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है, जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप है उसकी, तो उस बुनियाद पे हमें ये तारीख मुनज़्ज़म करनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया हमारे नजरिए को समझ सके, क्योंकि ये कथित तौर पे ये उस वक्त की बात थी, उन्होंने साफ कहा था कि एक इंच पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, एक इंच हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। ओके, तो ये बातें समझाने के बाद फिर आपकी तरबियत उसी दौरे में हुई या आपको वापस? नहीं, मैं चला गया था, मैं चला गया था पासपोर्ट में, उन्होंने कल बता जो वो थी स्ट्रेटजी जो बनाई थी या जो लिखा था कागज पे, ये मुझे क्राकली की टोपी में अंदर से सिल के दिया, तो हम फिर चले गए, मैं चला गया श्रीनगर, तो मैंने फिर वहां पे अपने दोस्त वगैरह, जाहिर है स्कूल के दोस्त थे और महिला वगैरह, कागज पे क्या लिखा था? तंजीम का स्ट्रक्चर लिखा था सारा, और चूंकि वो समझते थे कि मैं इतना याद नहीं रखूंगा इसलिए वो उसमें देखे ना तंजीम। वहां जाके आपने किसी को देना था या आपके लिए? मेरे लिए और वहां जो लड़के थे तंजीम, मतलब मुख्तलिफ लोग जो थे, उनको आप कैसे समझाएंगे, कैसे आप पार्टी शुरू करेंगे, कैसे आप सेल शुरू करेंगे, काम क्या करेंगे आप? पहले तो हमें यही था कि हमने पोस्टर निकालने हैं, उस वक्त तो लथू पोस्टर भी, लथू मशीन भी लाना बड़े मुश्किल होता था, तो हमने जो है ना, और ये बात है 69 की, ये 69 की। ओके ठीक है, तो आपने जो अपने जानने वाले थे उनसे रब्ता किया या किस? जाहिर है मैं, मेरा कुछ एक हल्का भी था, क्योंकि हम अच्छे, मतलब श्रीनगर में अच्छी फैमिली है, तो उस वजह से एक तो अपना हल्का था, एक तो स्कूल का हल्का था, तो हमने शुरू कर दिया काम, तो मैंने मुख्तलिफ दोस्तों को तंजीम में लाया, सेल कभी एक की सेल बनाई है कभी दो की बनाई है, तो ये करके हमने अशरफ, अल्लाह ताला मगफरत करे उनको, वो बहुत अच्छी पोस्टरबाजी करते थे, राइटिंग करते थे, और जिस तरीके से वो फलस्तीन के उस वक्त वो चेहरे पे फलस्तीन का वो जो टोपी होती थी, वो कपड़ा होता था, उस तरीके से तस्वीरें बना के उसको हम गन हाथ में रख के नजरियाती तौर पे ये बात लोगों तक कह रहे थे, और ये बड़ा बहुत ही ज्यादा अचंभे की बात थी कि कश्मीर में पोस्टर निकल रहे हैं मुसल्ला जुदजाद के, और जिसमें फलस्तीन की बात लिखी जाती थी, जिसमें अलजजायर की बात लिखी जाती थी, जिसमें वियतनाम की उस वक्त जंग चल रही थी, वियतनाम की बात चल रही थी। ये पोस्टर लिखता कौन था? अशरफ कुरैशी, अल्लाह मगफरत कर। क्या वो इन तरीकों से वाकिफ थे? डिस्कशन जब होती थी ना, क्योंकि मैं सारा कुछ सीख गया था, और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बहुत सारा शाऊर इसलिए भी था कि हमारे घर में मंथली आता था सोवियत यूनियन का रिसाला, एक सोवियत यूनियन वो मुख्तलिफ जबानों में छापता था, तो हमारे उर्दू में आता था, क्योंकि वो मैं पढ़ता था, इसलिए ये जो वियतनाम, ये जो सारी चीजें जो है ना, ये जहन में थी,
ये कौन और मंगवाता था, कौन आपके, कौन वाले साहब मंगवाते थे, कौन मंगवाता था? जी हमारे घर में आता था हर महीने, जाहिर है वालिद साहब मंगाते थे, अच्छा क्योंकि वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो जिस वक्त फिर शेख अब्दुल्ला ने ये इलाका, वो फिर उन्होंने महीदीन करा के साथ इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस समझ ले आजाद कश्मीर की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, जिनका नारा ही था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये 14 अगस्त को पोस्टर पटाखे वगैरह फेंकते थे और हमारे घर भी आते थे, बोरियों में हम बांटते थे, ये सिलसिला था। इसलिए मैं कॉन्शियस था पॉलिटिकली तौर पे। अच्छा ठीक है, ये इब्तिदा हो गई, तो फिर जी जी ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि कोई याद अगवा करना ना, ना 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 कोई नहीं। फिर जब ये हम करते रहे, पोस्टर शोर बड़ा मचता रहा, तो फिर हमारी जो एक टीम थी 10-12 आदमियों की, मुख्तलिफ लेकिन अलग तलग थे, सबों ने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि भाई हमें कोई बंदूक इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, अगर हमने यहाँ पे धमाके करने, यहाँ पे इंडिया वगैरह को बताना है कि ये कोई मुसला जुदजात क्या होती है। फिर मैंने कहा जी अच्छा कोई चला जाए भट्ट साहब के पास, उन्होंने कहा नहीं आप जानते हैं आप ही जाए। फिर मुझे जो है ना, मैं फिर जो है ना, वो एक था वो गुलाम हसन, वो SSP रिटायर्ड हो गया कश्मीरी, मीर मुस्तफा था लिबरेशन फ्रंट का, जो कत्ल किया गया था उसका भाई की बहनों ही था, वो अपना मेरा जानने वाला था, तो मैंने उससे कह के बॉर्डर क्रॉस करवाया सियालकोट के रास्ते से और भट्ट साहब के पास आ गया। ये कोई कोई मई या मार्च का एंड था, सितंबर, ये 77 70। तो एक बात, एक मिनट, एक तो जब वहां आप ये पैगाम फैला रहे थे, तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये तुम लोग कैसी बातें करते हो, मरवाओगे? बात ये है कि देखिए मसला ये है कि ये हमेशा मैं यही कहता हूं, बदनसीबी हुई है शेख अब्दुल्ला ने हमारे लोगों को इंडिपेंडेंट जम्मू और कश्मीर का नजरिया नहीं दिया। काश अगर देते तो हम बहुत पहले आजाद हुए थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के बारे में ये बात बतानी, उन्होंने अच्छे काम भी किए, वो पूरे जम्मू और कश्मीर का लीडर था, उसकी बात गिलगित बल्तिस्तान, ये अपना लद्दाख में भी और जो है ना जम्मू में भी और ये चनाब वैली में भी और वादी में भी बहुत अच्छी तरह से सुनी जाती थी। इसलिए ये जब शुरू हुआ, वो रायशुमारी कहते थे, रायशुमारी का मतलब असल में पाकिस्तान को ये पैगाम था भाई हम इससे हिंदुस्तान, हम कुछ भी रायशुमारी में हो सकता है, हम आपके साथ भी है। फंड्स वगैरह तो वहां से भी आते थे सारे, ये तो हमें पीर मग, पीर वहां किसी ने नहीं कहा कि नहीं भाई ये नहीं करो खतरनाक है या नहीं? नहीं, क्योंकि हमने अपने आपको इंट्रोड्यूस तो नहीं कराया ना, हम तो पोस्टरबाजी करते थे, और वो भी हम पोस्टरबाजी, मेन तो मैं था, अगर कोई पकड़ा जाता तो मैं पकड़ा जाता, तो जो अपने कारकुन थे वो तो अलग अलग थे, अशरफ और मैं था इकट्ठा, एक और था इफ्तिखार, उसका गीलानी वो वकील था बेचारा यंग, वो कैंसर से फौत हो गया, अल्लाह उसे मगफरत करे, हम तीन थे असल में इकट्ठे, बाकी तो सारे अलग अलग थे, पोस्टरों वगैरह के लोग तो हम रिएक्शन लेते थे ना, लोग बल्कि खुश होते थे यार ये कुसो आमुत कश्मीरी में, ओ ये कौन आया है, ये लोग कौन है, ये क्या है, ये इस तरह की। क्योंकि एक बात याद रखें, आज बेशक इसने मोदी ने बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ मतलब चादर डाली हुई है इस सारे चीज पे, लेकिन जिस तरह समुंदर में तूफान से पहले वो एक एक बिल्कुल समा होता है, खामोशी होती है, बस जो रियासत में जो उस तरफ है इंडिया के कब्जे में, वहां भी यही हालत है। ये हमारी बदनसीबी है कि हमें ये जो 88 से ये जो मुसल्ला ISI ने जुदजात चलाई, इसमें हमारी बदनसीबी है कि ये मजहब की बुनियाद पे जो चली है, उसने हमें जम्मू से वालों से भी दूर किया, लद्दाख वालों से भी दूर किया। ठीक है, इसमें हम बाद में जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे। जी तो जी, फिर ये कहां से आया आइडिया के कोई त्यारा अगवा होना? ना ना ना, आइडिया का ये था, जब मैं आया ना क्रॉस करके, तो भट्ट साहब ने मेरी सारी तफ्तीश की वगैरह, तो मैं दोबारा जब आए आप,
हाँ हाँ दोबारा जब पहुंच रहा तो मैं पिंडी आया, असल में पिंडी भी नहीं, मुझे कराची का एड्रेस था मेरे पास, मीर मनान मीर कुयूम साहब का, मैं बल्कि गया कराची, तो कराची से मुझे उन्होंने वापस जो है ना मीर साहब वगैरह ने ट्रेन पे बिठा के पिंडी आया, कहते हैं भट्ट साहब तो पिंडी है। तो जब मैं पिंडी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है स्क्रीन पे जी, ये मेरी है ये कोई, हाँ ये उसी जमाने की है ये, हाँ उस जमाने की है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे जब बस में उधर पहुंचा ना पिंडी, तो उन्होंने मेरी तफ्तीश वगैरह सारी रिपोर्ट लिखी है, जावेद सागर था, ला मगफिरत करे डॉक्टर साहब थे, तो मुझे रखा गया डॉक्टर साहब के घर में, डॉक्टर साहब का जो आज घर है वो नहीं, उसके सामने सड़क अपना चूट चक्की में एक उनका किराया का घर था, तो मुझे वहां रखा। डॉक्टर फरूक हैदर की जी, डॉक्टर फरूक हैदर, हाँ। तो उसके बाहर वाले वो जो कमरा है तो वहां रखते थे ये बाजी वगैरह, मुझे दो टाइम रोटी देते थे, और मुझे जो है ना यार मोहम्मद एक सूबेदार था, वो इस चूट चौकी से तरनोल तक मुझे गर्मी में भगाते थे, मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे फिजिकल। कितना तो फासला था ये फासला कितना था? ये आप चूट चौकी से कोई 7 किलोमीटर तो होगा, 14 किलोमीटर बनते आना जाना। तो जनाब मैं जो है ना वहां, और ये बाजी ने बड़ी मतलब बड़ी बहन और बड़ी माँ की तरह मेरी मतलब उस दौरान जो कुछ था तो मेरी खदमत की है वगैरह, ये तो सुल्तान वगैरह, ये तो दो बेटियां जो छोटी छोटी थी, एक 2 साल की थी, एक 3-4 साल की थी। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मुझे फिर ट्रेनिंग भी दे रहे थे, और उन दिनों ये सारा इलाका गांव शाव था, मिसाल के तौर पे बड़ा था, और हम 12 बोर वगैरह के जरिए जो है ना यहाँ शिकार भी करते थे दाई बाई, और मुझे ग्रेनेड वगैरह की जो है ना ये पिस्टोल की ये सारी जो है ना ट्रेनिंग ये बता रहे थे, असला वगैरह क्या कैसा है ये भी बता रहे थे। तो इसी दौरान हम बैठे हुए हैं लंच पे या नाश्ते पे, मैं मकबूल बट वहां आया करते थे जी 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 जी, अमूमन तो ज्यादा इधर ही होते थे, लेकिन मतलब आते जाते थे, तो वो जो है ना लेक्चर देते थे, वो किताबें देते थे पढ़ने के लिए, तो मुझे जो है ना उन्होंने जो है ना एक हम बैठे हुए थे नाश्ता कर रहे थे, तो रेडियो हमने खोला, डॉक्टर फारूक मगफिरत करें उनको वो थे, जावेद सागर था, शायद लंच था या डिनर था, और भट्ट साहब थे, और इन्होंने वहां पे रेडियो पे खबर आई कि आज कराची में एरिटेरिया के मुजाहिदों ने एथोपिया के जहाज पे फायरिंग की है। क्या खबर आई है कि एरिटेरिया के मुजाहिदों, उन दोनों याद है आपको, एरिटेरिया एथोपिया के खिलाफ लड़ रहा था, तो फायरिंग की है, तो वहां उसको जहाज को नुकसान पहुंचा है, तो कोई बंदा नहीं मरा। यूं ही ये खबर आई तो जावेद सागर था, डॉक्टर साहब थे तो वगैरह, इन्होंने उछल के कहा ये तो हम भी कर सकते हैं। यहां से भट्ट साहब ने आइडिया पकड़ लिया, ये कोई किसी भारत की किसी फलां की किसी, ये अचानक हुआ है, ये अपना ये आया हुआ है, अचानक आया है ये अचानक, ये जब आया ना तो भट्ट साहब ने कहा इस पे बात करते हैं। फिर मेरे ख्याल में दूसरे दिन अमानुल्लाह खान भी कहीं कराची से गिलगत जा रहे थे, वो भी आया, इनकी पता नहीं वो काफी तफसीलन बात हुई है, तो इन्होंने भट्ट साहब ने जब ये एक दो दिन के बाद जो है ना मुझे कहा क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप लैला खालिद की तरह जहाज को अगवा कर सकते हो, तो मैंने कहा जी देखिए मैं घर से निकला हूं आजादी की जुदीजात के लिए, आप मुझे जो भी बताएंगे तो मैं करूंगा अगर मुझे ट्रेनिंग फुल हो। तो इन्होंने जनाब फिर जमशेद मिंटू है अल्लाह मगफिरत करे वो भी फोत हो गए, लेकिन ये सारे बयानात कोर्ट में सब रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो जमशेद मिंटू डॉक्टर फरूक हैदर का वो था, उनके ब्रदर इन लॉ साले थे वो, चूंकि
एयर फोर्स में काम कर चुके थे, तो कुछ दिनों के बाद उनको मेरे साथ लाया, सामने गया, उसने कहा मैं आपको जहाज के अपना केबिन की बताऊंगा सारी सिचुएशन, और मैं आपको ले जाऊंगा चकलाला। उन दिनों चकलाला एयरपोर्ट था, तो चकलाला भी, तो मैं ये जहाज भी दिखाऊंगा आपको, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। मैं कहा जी ठीक है। तो जनाब मुझे इन्होंने चकलाला एयरपोर्ट पे भी तो एक दो दफा ले लिया। ये जो फोकर फ्रेंडशिप था ये 1962 में पाकिस्तान को भी मिले थे, इंडिया को भी मिले। मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, ये पार्लियामेंट में भी इसका रिकॉर्ड छपाया वगैरह, ये क्या था। और ये 20,000 नाट की क्या 20,000 घंटे चला था टोटल सिर्फ। अभी भी वो जहाज जो ना उस दौर के पाकिस्तान में दूरदराज इलाकों में, इंडिया में दूरदराज इलाकों में चलते हैं। बहरहाल यहां से जब ये शुरू हुआ तो इन्होंने मुझे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा ठीक है मैं ये कर लूंगा, मैं वहां सिखाऊंगा कुछ लोगों को। ये है इस जहाज के मंसूबे की असल कहानी। ओके, तो यहाँ आपको ये ट्रेनिंग मिल गई थोड़ी जी, कॉकपिट का जी, जी मुझे चकलाला भी ले गए और वहां भी दिखाया। जावेद सागर मेरे साथ होता था ज्यादा तौर पे, तो मैंने ये ट्रेनिंग और सारा वो, इसमें क्या होता है कंपास का होता है, और कंपास के अलावा जो है ना इसके मुख्तलिफ एयरपोर्टों के कोड होते हैं, उन कोड पे जो है ना बात की जाती है। ये मतलब बाकी उसमें तो कोई खास नहीं होता है, क्योंकि एक चीज बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के तहत जहाज के जो पायलट वगैरह है उसको ये इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर कोई ओवर पावर करे और जहाज हाईजेक करना चाहे तो आपने उसको रेजिस्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि सवारियों का ये आईआटा का उसूल है ये, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है, सवारियां मर सकती है, सवारियां जहाज गिर सकता है, इसलिए जहां हाईजेकर कहेंगे, क्योंकि अमूमन उनके पॉलिटिकल ये आपको उन्होंने समझाया था पहले ये सारा सा जो जहाज के बारे में मैं जानता हूं उसमें आज जरा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वहीं से सारी थी। ओके, तो आपको ट्रेनिंग मिल गई, तो अब क्या नेक्स्ट क्या था कि आपने वापस कैसे जाना है? नहीं, वापस असल में मैं पहले ये इधर ये जो ना हम आए थे, एक दफा ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ले गए थे एबटाबाद के जरिए बटाकुंडी अपना नारान, वहां से जो एक सड़क गिलगत जाती है, एक सड़क नीलम जाती है, भट साहब मैं और एक सूबेदार था, एक और था, वो हम इसी रास्ते से गए नारान तक। तो पता नहीं पहले तक तो मकबूल भट, ये क्या नाम है, डॉक्टर फारूक साहब गाड़ी चला रहे थे, जावेद सागर भी साथ था। फिर हम पैदल गए, पैदल में भट साहब थे, मैं था, एक वो था सूबेदार काला, सूबेदार एक था, तो एक और था। तो वो हम फिर जो है ना पैदल चले गए बटागोंडी से, फिर वहां पहाड़ पे जाके ना नीलम क्रॉस करते हैं, ये पुराना रास्ता जो गिलगित बल्तिस्तान का था उसके राइट साइड पे नीलम मिलता है, वहां से गए। बर्फ थी उन दिनों, वहां हम गए तो भट साहब ने कहा जी अब आपको यहाँ से, दो दिन के बाद हम जब पहुंचे उस पॉइंट पे, यहाँ से आपको ये सूबेदार आपको जो है ना क्रॉस कराएगा। वो था भी इधर पपवारा का साइड का, भट साहब चले गए इस रास्ते से मुजफ्फराबाद। हम जब दूसरे दिन चले गए ना, हम रास्ते में एक जगह पे रुके, तो वहां पे नीचे मेरे ख्याल में इंडियन पोस्ट थी, ऊपर पाकिस्तानी पोस्ट थी, हम बीच में थे, तो क्योंकि कुत्ते भौंक रहे थे वहां। तो यहाँ इस दौरान इस सूबेदार ने क्या किया, इसने जरा वो मुझे पकड़ेंगे, वो आपको पकड़ेंगे, वो मार देंगे। मैं तो आप जरा अंदाजा करें ना, मैं 16 साल का लड़का हूँ और बड़े नाजुक पल से पला हुआ था, मैं तीन बहनों के बाद पैदा हुआ था, तो मैं भी जाहिर है मुझे भी खौफ आया। उसने कहा हम ऐसा करते हैं वापस जाते हैं। मैंने कहा यार मुझे क्रॉस करना है, मेरे साथ ये असला भी है, पिस्तौल है, ग्रेनेडे हैं, तो मुझे जाने दो, तुम चलो, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। उसको असल में डर था कि मुझे इंडियन वहां पकड़ेंगे और जेल करेंगे, क्योंकि वो शायद आर्मी वालों के साथ भी बात करता काम करता था।
जनाब हम वापस निकले और बीच में कोई बस मिली भी, कोई जीप मिली, लेकिन हम यहाँ से आप समझ लिए आठ मुकाम को होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचे। मुजफ्फराबाद में मैं गया था यूसुफ जरगर के घर, क्योंकि मैं पहले वहां मुजफ्फराबाद आया था जब मैं पासपोर्ट पे आया था। तो मैं यूसुफ जरगर के घर गया तो वहां पे वो भी परेशान हुए। मैंने कहा भट साहब है? कहता हाँ है अलवी साहब जी, तो आ जाएंगे, बैठो आप। क्योंकि मेरा चेहरा जला था बर्फ की वजह से, पैर पे भी वो, हाथों पे भी सारी वो जो है ना वो सारी वो खाल उतरी थी बर्फ की वजह से, इतनी वहां बर्फ वगैरह सारी सर्दी, बर्फ तो की सर्दी। आप उस सूबेदार के या डराने की वजह से वापस आ गए? नहीं, लेकिन मुझे रास्ता पता नहीं था ना। अच्छा, उसने वो आपको लेके नहीं गया? नहीं ना, वो भाग गया ना। मैं अब मुझे रास्ते में छोड़ के आप जाओ भट साहब के पास, तो उनको कह दो कि वो नहीं गया। वो तो फिर काफी वो मिला नहीं फिर भट साहब को भी। तो वो अब मैं तो, मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो ये शुक्र करें। वो कौन था, मतलब उसके हवाले से क्या आपको याद है कि वो? सूबेदार यार मोहम्मद था उसका नाम। वो सूबेदार था पाकिस्तानी फौज में, बाद में रिटायर्ड हो गए। असल में वो अमानुल्ला, वो जो था ना मेजर अमानुल्ला, उसका कोई ताल्लुक वाला था। और चूंकि नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ था ये, इसलिए भट साहब के साथ थे। तो लेकिन आदमियों का कोई पता नहीं होता है किस वक्त खिसक जाए, तो इसलिए जो है ना वो फिर भट साहब आए, उन्होंने मुझे फिर अलवी साहब के खानी यूसुफ सरगर के ही घर छुपा लिया दो दिन। उसके बाद मुझे जो है ना कहीं बस में बिठा के रावलपिंडी वापस भेज दिया। तो वो जो असला वसला था तो वो फिर वहीं पे मैंने भट साहब को दे दिया कि ये जो है ना चले। उसने हौसला हौसला दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोई अटेम्प्ट करेंगे किसी और रास्ते से। फिर हमने सियालकोट से अटेम्प्ट किया महीने के बाद। तो इस दौरान कुछ ऐलानात आए आजाद कश्मीर की, अपना रेडियो पे भी वगैरह, जी इस तरह आशिम कुरैशी गायब है कहीं, घर वालों को बड़ी परेशानी है, ये है वो है वगैरह है। ये भी मैंने एक दफा सुन लिया। लेकिन मजे की बात ये देखें कि मेरी बहन की शादी हुई थी पेशावर में, मैं इस दौरान ये कोई 3 महीने में रहा वहां, 3 महीने के दौरान मैं अपनी बहन को नहीं मिला, न मुझे इजाजत दी थी भट साहब ने। तो ये मतलब वो लम्हात होते हैं जिसमें आदमी को बड़ा बड़े कठिन तरीके से स्टैंड करना पड़ता है, वरना दुनिया के ऐसे रिश्ते हैं, जज्बाती रिश्ते हैं और तकलीफें हैं, मुश्किलात है, उसके होते हुए इस तरह का खड़ा रहना, मैं खुद हैरान होता हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत लाडला था, तो लेकिन एक जुनून था, मतलब जो भट साहब जो समझाते थे ना, जब जब हम देखते थे मुल्कों के अपने पासपोर्ट होते हैं, मुल्कों की अपनी फौज होती है, मुल्कों, और फिर हमारे साथ अलमिया ये था कि हमारे मुल्क पे कब्जा हमला उन्होंने किया था जो हमारे हमदर्द बने रहे, जो हमें मजहब के नाम पे आज तक इस्तेमाल करा रहे हैं। वरना आप देखें 26 अक्टूबर तक, 27 अक्टूबर तक कोई इलाक किसी जगह नहीं हुआ था, सिटल स्टैंड मुआहिदा हुआ था। अगर पाकिस्तानी फौज, आपने कहा कबायली, वो कबायली जरूर थे लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी की सरबराही में आए थे, मेजर जनरल अकबर। हाँ हाँ, चलिए चलिए ठीक है, बहुत दूर निकल जाएंगे हम। आपने जब फिर सियालकोट में की अटेम्प्ट की तो वो कैसे की? वो उस वक्त कौन साथ था, क्या हुआ? वो भट साहब भी साथ थे, डॉक्टर फरूख हैदर भी थे, अपना अपना जावेद सागर, अताउल्ला, वो अल्लाह रखा सागर के बेटे थे, बहुत बड़े मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी लीडर थे, वो थे। और जो इनके कजन थे डॉक्टर साहब के, मंजूर मलिक, जो सियालकोट में रहते थे। बल्कि मैं आपको एक बात, एक बड़ा ये एक
है तो बड़ा अजीब सा वाका। हम वहां सियालकोट में नहा रहे थे, मुझे भट साहब ने कहा छलांग लगाओ ना नहर में, और मैं जब छलांग लगाया मैं नीचे कांटों में फंस गया, मैं डूबने लगा था। आपको शायद याद हो वो एक होता था जावेद, वो कार्टूनिस्ट होता था, बड़ा मशहूर कार्टूनिस्ट था सियालकोट का। उसका बेटा, उसका बाप काम करता था मलिक के साथ, वो साथ था हमारे, उसने छलांग लगा के मुझे निकाला। तो मैंने कहा जी, भट साहब ने कहा ये क्या, मैंने कहा क्या करो नीचे से, नीचे वो कांटे हैं, मैंने वहीं पे लगाई छलांग में फंस गया। मतलब ये था कि जुनून था कि यार इस वतन के लिए हम कैसे नजरियात बदल ले लोगों के। क्योंकि एक बात आप याद रखें, आप लोग 70 में बच्चे थे, लेकिन जो 70 में थे आप उनसे पूछे, आप लोगों से पूछे, आप लोग इल्हाक की गलीज बीमारी में फंसे हुए थे। आप भी तो थे ना, आप भी तो थे। मैंने तो अमल किया ना, मैं बाहर निकला ना। मैंने जो जहाज अगवा, ठीक है, तो यार जो अगवा हुआ इसकी, ये जो आपने लिखा है ना कि क्यों ये पाकिस्तान ने किया, तो उस पे हम आते हैं ना आशिम साहब, उस पे आते हैं ना। लेकिन जब आप वहां फिर वो गए सियालकोट में, तो वहां से क्रॉस कैसे किया? वो मजे की बात है कि उस दिन भी क्रॉस नहीं हुआ, हम वापस पिंडी आए। फिर कोई 15 दिन के बाद जो ना कोई गाइड का बंद, वो भी कोई गाइड का मसला था। क्योंकि देखें नेशनल लिबरेशन लिबरेशन के पास फंड्स ना बहुत बड़े फंड्स थे, ना इतना सेटअप था जो मैं उस वक्त महसूस कर गया। तो ये जो है ना, ये गाइडों के जरिए काम कराते थे बॉर्डर क्रॉस, और गाइड होते थे अमूमन स्मगलर या अमूमन इधर और उधर की जासूसी करने वाले, दोनों तरफ के इस्तेमाल ये भी करते थे वो भी करते थे। अब उन्हीं में से कोई ना कोई भट साहब के हाथ फंस जाता था या किसी और के हाथ फंस जाता था, वो भी हमारा काम इसी तरह करते थे। फिर दोबारा तो आप वापस आ गए पिंडी में। पिंडी में कितना अर्सा रहे फिर? 10-15 दिन और रहे। तो फिर, लेकिन फिर उसके बाद क्रॉस हुआ। कहां से, किसके साथ? वो सियालकोट के, उसी कोई गाइड आया, उसके जरिए से क्रॉस हुआ। तो सियालकोट से आप जम्मू आए? जम्मू आए, लेकिन मैं, मुझे पकड़ा गया जब उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने मुझे एक क्रॉस करके एक बंदे के पास छोड़ा। तो उधर बंदे को दरवाजा खटखटाया, उसने कहा तू किधर इधर? उसने कहा यार बंदा है, इसको छोड़ना है। उसने कहा जल्दी भाग जाए, तुझे बीएसएफ वाले और ये यहाँ पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, तुझे ये पकड़ के कहीं क्या मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कत्ल करेंगे। उसने क्या किया, उसने इसको कहा यार ये कुछ पैसे है, इसको किसी बस पे या कहीं आगे जम्मू के पास छोड़ दो। तो ये चला गया, मैं अब जो है ना उसके रहम करम पे हूं। अब जरा तस्वुर करें, एक 16 साल का लड़का किस मुसीबतों से गुजर रहा है। तो उसने मुझे कहा मैं छोड़ दूंगा आपको, उसने मुझे एक जगह छोड़ दिया जहां पे बस गुजरती है। तो उसने बस पे, बस को रोका, बस पे मुझे बिठाया। अच्छा, मेरे पास क्या था, मेरे पास एक लिफाफा, एक बैग था, एक लिफाफा था, आम थे उसमें, और उसी में एक ग्रेनेड और एक पिस्तौल था। अब असल में हमारा जो जो प्लान था वो बदल गया था। भट साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, अब आप श्रीनगर जाने के बजाय जम्मू जाएं, जम्मू से ही जहाज का टिकट लेके इसको अगवा करें। ये मुझे अब अकेले पे जिम्मेदारी छोड़ देगी। मैं उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, सवाल उठते हैं, लेकिन मैं ये समझता था वो लोग भी जुनूनी थे। तो हालांकि मैं ये समझता हूँ ये मंसूबा एक अकेले आदमी को करने का नहीं था, लेकिन मैं जो है ना, मैं अपने लीडर के, मतलब मैं अंधा हो गया था इस नजरिया, इस सोच के लिए, और अपने लीडर के सामने मैं इनकार नहीं कर सकता था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि डर खौफ तो ये तो था ही नहीं ना मेरे दिमाग में, मेरे दिल में। तो अब उसमें जो आम थे लिफाफे में, उसी में हमने पिस्तौल और ग्रेनेड रखा था, और वो बैग में रखा था।
आगे गए तो मसला ये है कि घोरा चिट्टा था मैं वहां पे, वो जो चेक करते हैं वहां चेक कर रहे थे बीएसएफ, उन्होंने कहा जी सारे उतर जाओ। अच्छा पर शायद गलती है या नहीं है, मैं भी उतर गया बेअसमियत, कुछ लोगों ने भी उठाए सामान, मैंने भी उठाया, नीचे उतरे जनाब, उन्होंने तलाशी की, तलाशी करते करते देखे तुम किधर से हो, मैंने पिछले गांव का नाम याद था मुझे, मैं वहां से था, ओ वहां किसके हो, तो अब मैं मतलब अब अंदाजा करें मेरी पोजीशन क्या बनी है। तो उनको थोड़ा सा शक होने का, बैग में क्या है, मैं कहा जी इसमें आम शाम है वगैरह कुछ, उन्होंने उठा के आम जो बैग उठाया उल्टा किया, उसमें ग्रेनेड भी गिरा और अपना पिस्तौल भी गिरा, तो अब स्टंटो मुझे बंदूक के उस पर रखा तो पकड़ लिया। लेकिन चूंकि मसला ये था कि जिस आदमी की वजह से मैं आया था वो आज भी जिंदा है, उसने कोर्ट में भी गवाही दी है यहाँ पे, तो मैंने चूंकि मैं उसने मुझे क्रॉस कराया था, मैंने इनको कहा भाई फलां को बुलाओ, मैं मुझे उसके साथ ताल्लुक है, तो बीएसएफ ने मुझे जम्मू ले गए। बहरहाल ये भी अपना ये गुलाम हसन मीर ये भी आए वगैरह, तो इन्होंने मैंने कहा क्या मसला है क्या मसला? एक बात आप याद रखें, भट्ट साहब बहुत जहीन इंसान थे, उन्होंने मुझे जब दिया ना लेसन और जब ये कहा कि भाई बात यह है कि अगर आप पकड़े जाओ तो अगर आप पे तशद्दुद हुआ तो आप जो है ना उनको बताना ये क्या प्लान था हमारा, लेकिन इस प्लान में आप उनको बता देना दो आदमी और भी शरीक है जिन्होंने ट्रेनिंग की है, एक उसमें से उसने जावेद सागर का नाम लिया, एक अपना क्या नाम है उसका वानी नसीर वानी, क्योंकि इनको मैंने काफी देखा था, इनका नाम भी लेना कि ये भी पीछे से आएंगे अगर मुझसे कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा नहीं क्यों, लेकिन बाद में जब हाईजेकिंग वगैरह हुए उन्होंने कहा इस वास्ते कि मुझे पता था कि या तो आपको ये मार देंगे अगर, या तो ये जब आप ये बात बताएंगे तो ये आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि वो दो आदमी आप पहचान सके। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन बहरहाल तफ्तीश वगैरह हुई, दिल्ली मुझे ले गए वगैरह, ये इन्होंने उसके बाद मुझे उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें वो दो आदमी कहाँ आएंगे, मैं कहा श्रीनगर, कहते जी आप श्रीनगर पे जो है ना अपना नजर रखे, आप उनको चेक करें, आपको हम बीएसएफ का, मैं 17 साल का अभी नहीं हुआ था, 16 साल ही का था, मैं आपको जी हम सब इंस्पेक्टर बना देंगे बीएसएफ का। अच्छा मुझे अब मेरा रास्ता कुछ भी नहीं था, मैं कही ठीक है ठीक है ठीक है, बंदे थे ही नहीं, तो मेरा मसला ये था कि मैं श्रीनगर के एयरपोर्ट पे जाके अपना कागज बना रहा था कि मैंने कैसे ये जहाज अगवा करना है, और मैं जब भी एयरपोर्ट पे जाता था तो मैं वापस आके अशरफ को ये सारी डिटेल, उन दिनों एयरपोर्ट में ना तलाशी होती थी, और आप अगर फिल्म देखें एक राजेंद्र कुमार की आरजू है। अच्छा ये बताएं कि जम्मू में उन्होंने फिर आपको कहा जी कि हम आपको बनाते हैं, आपको बीएसएफ ले लेते हैं, तो फिर आपको बीएसएफ में भर्ती करके श्रीनगर भेजा? और कोई भर्ती नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ये बानी कहा ना, मैं भी तो फंस गया था ना, मुझे 15-20 दिन के बाद फिर श्रीनगर ले गए, तो श्रीनगर उन्होंने कहा आपने एयरपोर्ट पे इन लोगों को देखना है। किन लोगों को? नसीर वानी और जावेद सागर को, मैंने कहा था ना कि ये भी ट्रेन किया है, इनको भी ट्रेन किया है, जहाज अगर मुझसे ना हुआ तो ये आएंगे। तो उस वजह से उन्होंने जो रखा था वहां, मैं अपना काम कर रहा था, जो उस वक्त जो एयरपोर्ट श्रीनगर की है, आप एक फिल्म राजेंद्र कुमार की है आरजू, तो उसमें आप वो देख सकते हैं एयरपोर्ट जो है ना
रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट से कोई 50 फुट के ऊपर जो है ना गेट गेट था, और वो एयरपोर्ट था। ना कोई तलाशी, ना कोई मसला, ना कोई बात, कोई नहीं है, सामान इसी तरह जाता था। ये जो उस वक्त सवाल ही नहीं होता था किसी की तलाशी लेते, लेकिन मतलब जम्मू में लेते थे, वहां जहां आप बस पे सवार थे। नहीं, वो तो बस पे, वो तो बस रोकी ना, वो तो बॉर्डर एरिया था ना, बॉर्डर एरिया से मैं आ रहा था जम्मू, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक वो तो है वहां चौकी थी वहां। ठीक है, ओके दैट्स फाइन। तो आप जब एयरपोर्ट पे होगे पर्थी, तो मतलब निगरानी आप आपसे कहा के देखें ये कब आएंगे, तो उसके बाद फिर क्या मतलब कैसे बात इस आगे। दौरान एक अपना बादशाह ने बंदा एक भेजा, मैं नहीं समझता उसका नाम देना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा ये क्या मामला हुआ है, भट्ट साहब ने पूछा है क्या हुआ। मैंने उनके जरिए ये सारी स्टोरी बताई, और हमारा एक एक तरीका भी था बातचीत करने का। हम पोस्ट कार्ड, लेटर नहीं, पोस्ट कार्ड ओपनली भेजते थे एक दूसरे को, और उसपे हम अपने जो कोड वर्ड्स हमने रखे थे ना उसमें बात करते थे। बिजनेस चल नहीं रहा है, कोई वजह हुई है, कोई नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें हम आम जबान में कोड लिखते थे। तो ये बाजरता को ये कि जब केस चला यहाँ गंगा का, इस पे जजों ने पूछा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, भट्ट साहब से भी और मुझसे भी अलग अलग पूछा, क्योंकि ये कोड बनाया था हमने कि बिजनेस, इसको बिजनेस कहना है, इसमें क्या हो, नुकसान है या चल रहा है क्या, ये सारी चीजें बड़ी मतलब वसाइल के बगैर करने के बावजूद हमने बड़े साइंटिफिक तरीके से पार्टी को लॉन्च किया है एक किस्म का। ओके दैट्स फाइन। हाँ, तो फिर वो क्या डेवलपमेंट हुई, क्या मतलब कैसे फिर वो फिर वो कार्ड हुए, वो हुए तो हमने भट्ट साहब को कहा कि हमें असला भेजा जाए। उन्होंने फिर जो है ना ये कपवाड़ा के रास्ते से असला भेजा था जो हमें नहीं मिला, किसी ने रास्ते में खा लिया या पकड़ा गया या क्या हो। फिर हमने क्या किया, हमने अशरफ को मैंने ट्रेनिंग दी थी सारी, और वो वकील गिलानी, उन्होंने अशरफ ने कहा यार ये ग्रेनेड कैसा होता है। अशरफ को आपने कब ट्रेनिंग दी थी? वो जब मैं आया ना, जब मुझे पकड़ा गया, जब मैं घर पहुंच गया, तो मैंने उसको सारी डिटेल बताई, यार ये हुआ है, इस तरह हुआ है, ये हुआ है, ये जहाज जो है ना इस तरह भट्ट साहब ने, हम जाते थे सवेरे, हमारा जो ना जो महला है ना नौहटा, हम वहां से सवेरे वर्जिश करने जाते थे, वो पहाड़ पे हरी पर्वत किला है वहां जाते थे, ये कोई आने जाने का 6 किलोमीटर रास्ता था, तो हम उसी रास्ते पे तो सारी तफ आपकी कोई निगरानी नहीं कर रहा था कि ये बंदा यार उधर से आया है, ये इसका ये देखे मतलब करते भी होंगे, लेकिन मैं नॉर्मल लाइफ जो अशरफ है वो तो मेरे हमसाया में भी रहता था, मेरे रिश्ते में भी था, ठीक है तो हम तो कोई ऐसी मैं तो कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर रहा था कि किसी को शक हो जाए, क्योंकि वॉक करना, दौड़ना वगैरह ये तो रोजमर्रा, और भी 10 आदमी दौड़ते थे, तो अशरफ के साथ मैं क्या बात कर रहा हूं तो वो तो उनको नहीं पता चलती थी, क्योंकि अशरफ को तो मेरा हमसाया भी था और मेरे रिश्ते में भी था और हम बचपन के दोस्त थे, तो ठीक है। इसलिए हम में हमने किसी को ऐसी कोई शक ही नहीं दी है। वो जो वकील था वो चूंकि बड़ा अच्छा लड़का, बहुत जबरदस्त था, इसलिए हम उससे मशवरे वगैरह इसलिए भी कर रहे थे कि वो वकील अगर कोई मसला बना तो चलो वो हुआ, बाकी किसी चौथे आदमी को तो हमने बताया ही नहीं था। तो ओके ठीक ये सूरत हाल जब हुई तो हमारा है हमारा फिर कुछ अरसे के बाद अशरफ ने कहा यार ग्रेनेड कैसा होता है, फिर मैंने इसको ग्रेनेड बना के भी दिया और ये हमने डिक्शनरी में भी दिखाया। तो उसको जब मैंने बताया ना इसके इतने 36-37 हिस्से होते हैं और ये इस तरह होता है, हमारे यहाँ हमारे ही नवाडा इलाके में एक इंडस्ट्री थी ये लकड़ी के बियर मग, लकड़ी के मुख्तलिफ चीजें बनाने के,
अशरफ ने कहा ये तो हमारे बियर मग की तरह है, अलबत्ता इसको बनाना जिस तरह है ना वो सुराख रखने के बजाय इसको ये साइड में बनाना है। अशरफ ने जाके ये खुद बनवाया, बिल्कुल ऐसा था जैसे वो गर्नेट है। उसके बाद उसके हमने लकीरें लगाई 36 लकीरें, और फिर हमने हमारे महले में ही अपना रोशनगर माला है वहां पे, अल्लाह ताला मगफिरत करे वो फौत हो गया, वो जो है ना वो रंग साज था, अशरफ ने उसको कह के दिया कि इसमें लोहे का रंग करो। तो लोहे का रंग करने के बाद उसमें लीवर ऊपर हमने वो लीवर किस्म की जो चुमटा नहीं होता है, चुमटा जो वो चिलम जो जिसमें कोयला भरते हैं, उसी साइज का हमने वो लेके उसको ग्रेनेड के ऊपर फंसाया। इट वाज, ये आपको बताओ ना, जो पाकिस्तान में जो असला के मेजर थे वगैरह उनको नहीं पता चला 3 दिन ये ग्रेनेड, बोल के वो कह रहे थे अशरफ को यार इसमें पिन डाल दो, मार दोगे, मरवा दोगे। इट वॉज एक्चुअल, ये देखें मसला ये होता है कि आप किसी को भी, हमने मतलब पायलट को पिस्तौल पे रखा कि चलो भाई ये अगवा हुआ जहाज, पायलट तो मुझे कभी नहीं पूछेगा ना कि पिस्तौल असली है या नकली है, नोबडी इज आस्किंग। आप रात को चले, आपको कोई आदमी जो ना उंगली पीछे रख दे, खबरदार हाथ ऊपर करो, तो आप तो वैसे ही अटेंशन आपको, आप हाथ उठाएंगे। यही ग्रेनेड का 4-3-4 दिन 80 घंटे हम लाहौर में रहे, 5-6 मेजर थे। मेजर रहीम का बयान है उसमें, आप मेरे उस पर भी पड़ा है, आवाज नहीं, आवाज नहीं है। वो बना लिया ग्रेनेड अशरफ ने, उसको आपने बना लिया, फिर उसके बाद ये पूरा, उसके बाद हमने पिस्तौल वहां पे जो है ना वो नकली पिस्तौल वगैरह जो थे ना 0.22 वगैरह का, वो भी हमने मंगवाया बिहार से कि कहीं से, वो मंगवाया हमने, वो आराम से आया। तो उसके बाद हमने प्लानिंग की कि अब हम कैसे करें। उन दिनों जहाज चला रहा था वो राजीव गांधी, हमने ये मंसूबा बंदी की थी राजीव गांधी को अगवा करना है। राजीव गांधी को, वो पायलट था ना। अच्छा 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 ठीक है, वो श्रीनगर भी आता था ना। हाँ, तो हमें पता था कि इस दिन उसने आना है, क्या आना है। तो 70s में वो पायलट था। जी 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 जी, अच्छा ठीक है, ओके। वो पायलट था, वो को पायलट पायलट वो श्रीनगर भी आता था। तो हमारा ये प्रोग्राम था इसको ले चले, लेकिन और हमने टिकट अशरफ ने काटी, टिकट अशरफ ने काटी, अपना नाम तो मोहम्मद अशरफ कुरैशी लिखा, मेरा नाम उसने मोहम्मद हुसैन लिखा। तो हमने जब ये इसमें बात हुई है, अगर हमें पकड़ा गया तो ये पूछेंगे ये क्यों नकली नाम से लिखा है, मैं कहूंगा नहीं ये मोहम्मद हुसैन नहीं, ये मोहम्मद हाशिम है, उसने वो एम की बजाय एन हुआ है, ये जहन में रख के ये नाम लिया था। तो इसलिए हमें ये था शक था कहीं ये देख ना रहे हो रात दूसरे दिन की कौन सी है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन कोई नाम नहीं था, कोई मसला नहीं था, इसलिए हमें अगर वो चेक भी करते थे नामों को तो हमें चेक नहीं किया गया। तो दूसरे दिन हम जो ना अलग अलग जो ना उन दिनों टैक्सी वगैरह नहीं बल्कि वो शटल बस नहीं होती है श्रीनगर उसकी एयरलाइंस की, शटल बस में हम खड़े हुए और चले गए बड़े इजी तरीके से, काफी वगैरह पी के आराम से, जी आराम से हम जहाज में चले गए, आराम से चले गए। और हमें प्रोग्राम था कि ये श्रीनगर की जहलिम के ऊपर से इसको पिंडी लाना है, लेकिन जिस वक्त ये उड़ा तो वहां पे बर्फ बहुत थी, हमें वो जहलिम के दरिया का अदराक नहीं हुआ, बर्फ ही सब नजर आ रही थी। फिर ये जूही जम्मू में उसने
वो सीधा जा रहे हैं, अब उसने राउंड करना था, उसने वो उसकी जो उड़ान थी वो मगरिब की तरफ थी, मतलब पाकिस्तान की तरफ, अब उसने घुमा के दिल्ली जम्मू एयरपोर्ट पे उतरना था। उसने एयर होस्टेस ने ऐलान कर दिया, श्रीमान जी बैलेट बांध दो क्योंकि हम जम्मू में उतरने वाले, उसका ये कहना था। तो जो ही उसने टेलीफोन छोड़ा, हम फटाफट उठे, मैं पायलट की तरफ गया, मैंने उसको यहाँ रखा, भाई ये जहाज नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने अगवा किया है, तो आप सीधा चले यहाँ घुमाए ना इसको। तो अशरफ इस दौरान सवारियों के आगे खड़ा होके ग्रेनेड जो है ना हाथ में रख के उनको कहा ये सबको हैंड्स अप करो, उन्होंने हैंड्स अप किया। तो जनाब हमने इसको लो फ्लाइट, क्योंकि हमें ये भी सिखाया गया था लो फ्लाइट कराना ताकि ये राडार में नजर ना आए, तो हमने लो फ्लाइट कराई। ऊपर से कोई पैगाम आया, तीन मेरे ख्याल में तीन चार जो है ना जहाज आए इंडियन के, भाई हम इसको गिरा देंगे, फौरन वापस आ जाओ, ये फौरन इधर आ जाओ। हमने कहा गोली मार दो भाई, उड़ा दो तुम, हमें पता था कि कुछ नहीं कर सकते थे। तो चलते चलते इसको लो फ्लाइट करके, तो वहां पे जो सिख था ओबराय, वो वजीराबाद का महाजर था, तो उसने कहा भाई हम वजीराबाद पहुंच गए, तो हमें वजीराबाद के आगे ये जो ग्रैंड ट्रक रोड जो था ना जो लाहौर पे नहीं जाता, इसमें मैंने उसे कहा पिंडी चलो, उसने कहा इसमें तेल नहीं है इतना, तो लाहौर पहुंच सकता है। मैं कहा अच्छा मुड़ जाओ लाहौर। हम जो है ना इस जहाज को बहुत लो फ्लाइट पे लाहौर ले आए, ऊपर से पाकिस्तानी आए एयरफोर्स के, हमने उनको जब कहा कि ये जो है ना ये अगवा हुआ है लिबरेशन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने किया है कश्मीर की आजादी के लिए वगैरह, तो वो तो हैरान हो गए, कहते क्या कह रहे हो। मैं कहा बहरहाल हम लाहौर जा रहे हैं। तो जनाब हम जो ना इसी नीचे से जो ना हम इतने लो फ्लाइट की थी, नीचे से लोगों की गर्दनें नजर आ रही थी कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो जनाब हम लाहौर उतरने से पहले उसने एक कोशिश की थी, उसने वो जो ना कोड बदला था, उसने कहा हेलो लाहौर, हेलो लाहौर, हेलो लाहौर, वहां से आवाज आई नो अमृतसर से स्पीकिंग। तो मैंने उस पर उसको थपेड़ मारी थी, मुझे अफसोस है उस पर, तो मैंने उसको थपेड़ मारा, मैं कहा ये नंबर लगा लो, फिर नंबर लगाए, फिर लाहौर हमने लगाया, फिर जो ना उन्होंने हमें जब तेल नहीं गिर जाएगा, उन्होंने फिर हमें एक रनवे का नंबर दे दिया, हम उस रनवे पे उतर गए। ये उस वक्त की तस्वीर है जो नीचे से बात कर रहे हैं हमें हमारे साथ, तो हम जो है ना ऊपर से बात कर रहे हैं, अशरफ नीचे है, तो मैं ऊपर ये जब आप उतर गए लाहौर में, ना ना हाँ उतर गए लाहौर में, फिर जो नीचे से हमें वो सारे कर रहे थे ना सवारियों को छोड़ो नीचे उतरो ये वगैरह, हम यहीं से बात कर रहे हैं, हमने दरवाजे बंद किए थे। हमने उनको बता दिया था इसमें बारूद लगाया हुआ है, ये करेंगे, वो जो करना होता है वो अगले को तो पता, अगले को पता है जिसने जहाज अगवा किया उसने बारूद भी लगाया होगा। तो ये सारी फिर जो है ना वो मजे की बात ये है कि हम यकीन नहीं कर रहे थे लाहौर है, लेकिन उस जहाज में डॉक्टर नसीर था, कश्मीर का बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका मामा था आगा अफजल, वो था चीफ सेक्रेटरी लाहौर का पंजाब का, वो भी पहुंच गया था। उसने कहा जी आप आगा अफजल को बुलवा ले, वो मेरा मामू है, आपको पता चलेगा ये पाकिस्तानी है। तो ये वहां पे जो ये सारा कुछ, ये तो चार दिन हम आ रहे, वो मेजर रहीम शाह वगैरह ने गवर्नर को कहा अगर आप कहते हैं तो हम इनको उतार लेते हैं, उसने कहा ये हमारा काम नहीं है, सेंटर का काम है। ये मेजर रहीम ने ये बयान दिया हुआ है, मेरा जो हाशिम कुरैशी ब्लॉग है उस पे वो बयान मैंने डाला है जो उसने लाहौर के कोर्ट में दिया है। जो जहाज का जलना था ना वो ऐसे नहीं जलवा दिया, वो तो अपना तेज खुर्शीद जैसे दयानतदार आदमी के सामने मुझे कहा गया, उन्होंने भी बयान दिया है कोर्ट में कि ये मेरे सामने इसको कहा गया था सरदार वजीर एसएसपी ने, हम तेल देंगे जहाज को जलाओ। यानी हमारे पास तो बहुत सारी गवाहियां थी कि जहाज का जलना हमने नहीं जलाया, हमें पेट्रोल दिया गया, हमें जलाने पे मजबूर किया गया।
और वो भी 80 घंटे के बाद। देखिए अगर ये साजिश होती है जहाज को जलाना है तो जाहिर है हम 80 घंटे से पहले ही, क्योंकि किसी वक्त भी ओवर पावर करके हमें नीचे उतारा जा सकता था। तो हमने 80 घंटे को जहाज को पकड़ के क्या करना था? और फिर एक बात और है, जो ये मसूलात का सेक्रेटरी है उसने कोर्ट में बयान दिया है, उसने कोर्ट में बयान दिया है कि जो मिलिट्री सप्लाई थी वो इंडिया के ऊपर से नहीं जाती थी, क्योंकि 65 के बाद असला और आर्मी ये दोनों सिविल जहाजों में नहीं जा सकते थे इंडिया के ऊपर से। ये तो जब उन्होंने कहा जी कि इस वजह से किया है, तो ये आपकी वहां की तस्वीर है जब ये जी, जी, ये जब बाहर निकल, जब हम ये सर्विस अस्पताल में अशरफ ज्यादा जल गया था उसका हाथ, उसके चेहरे पे निशान भी, हाँ चेहरे पे और हाथ पे भी है। ये भट्ट साहब है, ये मीर कुयूम साहब है, ये शेख रहमान है, ये कुछ और कश्मीरी लोग है। तो ये तो जो है ना, आप भी जख्मी हुए थे? हाँ मैं तो बेहोश हो गया, देखे ना मैं बेहोश हो गया था, मेरी भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं जला था मैं, क्योंकि मैंने अशरफ को कहा था, जब उसने कहा ना क्या नाम है सरदार वकील ने तेल दिया, उसने कहा कि ये जलाओ, मैं तेल फेंक रहा था, अशरफ को मैंने कहा पिछला दरवाजा इमरजेंसी का खोल लो, वो गया उससे कहीं खुला नहीं। तो जब हमने जहाज जलाया, हम तो जलने के लिए बैठे थे, मैं भी जलने के लिए, तो मैं तो गिर गया इमरजेंसी जहाज से, और अशरफ को आवाजें देके नीचे में कह रहे, मैं समझा वो चला गया। आवाजें दिए तो वो भी आया इमरजेंसी दरवाजे के पास, तो उसने भी छलांग लगाई। तो भट्ट साहब भी वहां आए थे? भट्ट साहब तो वही थे, भट्ट साहब जिस वक्त हम जहाज अगवा किया उस वक्त, जब हमने डॉक्टर फरूक से टेलीफोन पे बात की, हमने कहा परिंदा आ गया, हम लाहौर में है, भट्ट साहब किधर है और आप किधर है, आप फौरन आ जाए। भट्ट साहब कहीं पेशावर गए थे, उसको रात को स्पेशल फ्लाइट में वहां से मंगाया गया। किसने मंगवाया? गवर्नमेंट ने। तो फिर अपना डॉक्टर फरूक भी आए, बाकी लोग भी आ गए जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के महाजराज में। यार अंदाजा करे, मेरा जहां तक कहने, लोगों का कहना है कि मीरपुर आजाद कश्मीर से 5 लाख स्टूडेंट जो है ना लोग आए थे, जिन्होंने 5 लाख लोग आए थे मीरपुर से और मुख्तलिफ इलाकों से आजाद कश्मीर से, और जितने स्टूडेंट पढ़ते थे कहां आए थे? एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे जो लाठीचार्ज हुआ, डॉक्टर बासत का बाजू टूट गया, एक डंडा खेच खुर्शीद को लगा, ये अपना 5 लाख बहुत ज्यादा लोग होते हैं आजम साहब भाई, यही बताया गया। लेकिन जिस वक्त हमारा वो कुछ अरसे के बाद वो जुलूस निकला, तो वो भी तो बासा वाला बाजार से लेके अपना माल रोड तक था एक कोना, और दूसरा बासा वाला बाजार पे था। अच्छा ये बताएं, ये एक तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ ये। जी जी ये देखे, ये अशरफ ने सारा ये लिखा था NLF। अच्छा ये अशरफ ने लिखा था? जब ये अशरफ ने लिखा था, ये बनाया था जब हम वहां खड़े थे, तो उसने लिखा था ये कहीं जो ना अशरफ का पता नहीं हाथ किसी में जख्मी हुआ था, यहाँ वो आई थी, डॉक्टर भी आए थे, ये अपना मैं इस पे बैठा था, प्रेस को कर रहा था अपना यहाँ, और भट्ट साहब भी यहाँ थे, नसीर वानी भी था, और ये बशीर वो स्कॉटलैंड का ये बशीर भी है ना, ये नर्स उसका हाथ की पट्टी कर रही है ना, हाँ पट्टी कर रही है, ये नसीर वानी भी था, भट्ट साहब भी पीछे है, मीर कुयूम भी था, बशीर तबस्सुम भी था, लंदन से आया था। तो ये सारे, ये यार ये सारा मतलब इट वॉज, आप जो कह रहे हैं ना कि ये जहाज, इसका वजह क्या हुई? यार वजह सिर्फ ये हुई कि हमने जो इंटरव्यूज दिए बाद में, जब हम जहाज से बाहर निकले, अपने हनीफ रामे ने नुसरत में मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने जब ये कहा कि ये इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर क्या सिर्फ हिंदुस्तान के इलाके में जो है, या ये जो इलाके इनका, हमने कहा जी आपको गलत फहमी है, ये रियासत पूरी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर समेत, और जो 47 में थी, हम उसको इंडिपेंडेंट रियासत बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान हमें देगा अकेले, तो ये बस यहाँ से शुरू होगा। और सरदार कयूम चूंकि उसके लिए था अलमुजाहिद वल चंदा, एक बड़ा वो सदर था।
ये कहा जाता है कि सरदार क्यों साहब आए थे, उनकी तरफ से कोई पैगाम आया कि उनका भाई आया था, हम उसमें थे मॉडल टाउन में, शेख रहमान के घर थे जनाब, उनका आया था वो, जब गेट पे रहमान थे, मीर कोई मीर मनान थे, उन्होंने कहा यार यहाँ से निकल जाओ हमारे, अशरफ तो जूता लेके निकला था, तो उन्होंने हमें कहा था जी हम आपको 5-10 लाख रुपया भी देंगे, भट्ट साहब को भी कहा था पैसे देंगे, आप हमारी तंजीम अल मुजाहिद में आ जाए, और उसका क्योंकि पहले तो उन्होंने लालच दी थी, हमने चूंकि हम दरवेश लोग थे, हमने कहा कि भाई बात यह है भट्ट साहब के हमने ऐसा नहीं करते, फिर वो उन्होंने बयान दिए कि इन्होंने तो एक जहाज लाया, मैं तो पूरी एयरफोर्स ले आऊंगा सरदार कयूम के, आपको पता है उसके बयान, मैंने उसके जवाब में कहा था तुम एक साइकिल ले आओ अमृतसर से तो मैं तुम्हें मानूंगा, ये दरमियान में मीर कयूम साहब है, लेफ्ट भट्ट साहब है, राइट मैं हूँ, ये थी मेरी गिरफ्तारी के, आप समझ ले तो गिरफ्तारी के 6 महीने के, बल्कि अप्रैल में हुए थे, साल के बाद 10 महीने, उसके बाद आपके बड़े इस्तकबाल हुए। जी जी बड़े इस्तकबाल क्या, बड़े जलसे, मैंने यही कहा ना, एक कोना जो है ना जो बताया गया बाद में, बांसा वाला बाजार में था, दूसरा ये जो क्या नाम है यूनिवर्सिटी जो लाहौर के जो माल रोड पे था, और यही फिर गुजरांवाले में मीरपुर में, मुझे याद है मीरपुर के मंगला से, ये मीरपुर का जलसा है, मीर हम देखे ना, हम कितने छोटे छोटे बच्चे थे यार, हमसे तवक्कु रखना के ओ जी इंदिरा गांधी से हम मिले, उसने हमें कहा ये ले जाओ बेटे, साजिश है ये करो वो, ये सारी कहानियां, जिस तरह ये कहानियां पाकिस्तान के हर दौर में कहानियां लिखते हैं, यही कहानी यहाँ मीरपुर में मंगला से लेके मीरपुर तक लोगों ने फूल निछावर किए थे हमारी जीप के नीचे। इट वॉज अ, एक बात याद रखे, डॉक्टर बासत ने ये जंग फोरम में कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर आजादी का जज्बा आग लगा गया था, काश काश ये हाईजैकिंग का ये हमें इन्होंने न तबाह किया होता, तो ये 84 की बात है, काश 84 ना होता, और उसके बाद जाहिर है कि आपका ये ट्विस्ट आया और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने अगवा किया और इंटरोगेशन और ये सारा शुरू हुआ। हम उस पे आशिम साहब आई एम अफ्रेड अगले हिस्से में बात करेंगे, कल जारी रख सकते हैं क्योंकि ये अब बहुत तवील हो गया है। जी 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 ठीक है ठीक है, आप जैसे चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक तो उसका ये बताया जाए कि हम जो ये कोर्ट शोट वगैरह सारा मामला है ना, ये क्यों उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, तो एक वो बात है, और दूसरा बात ये है कि जो आज की पोजिशन है हमारी कौम की, मैं डायस्पोरा से भी बात करना चाहता हूँ, डायस्पोरा की जो पोजिशन है, कल हम इस पर खुलकर बात करेंगे, आज मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा तवील हो गया है, और मैं मुझे पता है आप 2 रातें बातें कर सकते हैं, नहीं वो ठीक है, आपकी सेहत का भी मसला है, तो कल हम इसको इसी वक्त हाँ कल हम 6 बजे शाम को यूके टाइम, 7 बजे आपका टाइम, 10 बजे आजाद कश्मीर, 10:30 बजे उस तरफ वाले कश्मीर का टाइम जो है उस पर हम कल फिर करेंगे। ये मैं एक बात बता दूं जाते जाते, ये डॉक्टर बासित ने, डॉक्टर बासित अब्दुल मिंटू, अब्दुल हालिक अंसारी साहब, ये सारे 84 में जंग फोरम में वो जो था ना शाहिद वो जो फौत हुआ रियाज शाहिद, तो वो उसने इंटरव्यू दिया था, ये अभी भी मेरी किताब में पढ़ा है, ये इसमें अफशाए हक में जो ना, ये मेरी किताब है अफशाए हक में, ये अभी भी है, और ये दोनों किताबें जो है ना, ये क्या नाम है, अमेज़न पे है, तो ये जो है ना इसमें वो सारा इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में डॉक्टर बासित ने कहा जी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि काश 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 पाकिस्तान ने इन दोनों को मार दिया होता सब कुछ, लेकिन इस नजरिए को ना मारता, तो आज हम आजादी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते।
ये बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, हमारी तारीख को तबाह बर्बाद किया। पहले भी हमला किया पाकिस्तान ने और फिर जब भी तारीख उठती रही है। ओके ओके आशिफ साहब, हम इस पे बात करेंगे कल इंशाल्लाह। आज हमारे पास जो है ना वक्त अब खत्म हो गया है, तो ओके जी बहुत बहुत ये रिकॉर्ड हुआ है ना ये फेसबुक पे वगैरह पे आप। हाँ जी हाँ जी, ये फेसबुक पे यूट्यूब पे हर तरफ गया है और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। लेकिन मैं अभी अपने देखने वालों से ये करना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप सवाल जो होंगे ना आपको सवाल बता दे, मैं ये चाहता हूँ कि करना चाहता हूँ तो वो हम करेंगे जी। मैं आपको बाद में फोन करके बता दूंगा। तो ये मैं माजरत के ये थोड़ा तवील हो गया है प्रोग्राम, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो जद्दोजहद की तारीख है तकसीम के बाद, मेरे ख्याल में ये उसका इंतहाई अहम तरीन जो है ना हिस्सा है और एक तवील जद्दोजहद है। और ये हमारी एक तरह से खुशकिस्मती है कि आशिम कुरैशी मौजूद हैं हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात के हवाले से बताने के। मुझे ये भी मालूम है कि हमारी इस सियासत में बहुत से नज़रियात हैं, नज़रियात से मुराद है बहुत से इसकी अतराफ़ हैं, लोग मुख्तलिफ अतराफ़ से देखते हैं इस कौमी आज़ादी की जद्दोजहद को और ये इसके जो फेजेज हैं, इसने क्या क्या शक्लें इख्तियार की। बहुत से लोगों को आशिम कुरैशी से इख्तलाफात हैं, बहुत से लोगों के अपने सवालात हैं जो हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन आज हमारे पास इतना ही वक्त है, कल शाम को 6 बजे हम बात करेंगे आशिम साहब से मजीद। और बहुत सी बातें हैं, ये जो मुकदमा चला और उसमें मतलब क्यों चला ये और क्यों मतलब कैसे इनको एकदम हीरो से इंडियन एजेंट करार दे दिया गया और फिर उसके बाद कैसे मतलब ये जो इनकी गिरफ्तारियां मतलब जेल में रहे और फिर तंजीम पर उसका क्या असर पड़ा, तहरीक पर क्या असर पड़ा और उसके बाद क्या हालात पैदा हुए और मकबूल भट्ट कैसे फिर चले गए तिहार जेल में। और वो जब जेल में थे तो वहाँ के हवाले से आशिम साहब क्या जानते हैं और फिर अभी जेल से किताबें भी लिखी गई, जेल के जेलर ने भी लिखी ये जेलर, उसमें हम बात करेंगे आशिम साहब से कल। तो और फिर आखिर में हम ये भी देखेंगे अब क्या उनका वो अब क्या सोचते हैं अपने इस पूरे तजर्बे के बाद, वो मसला जद्दोजहद के बारे में क्या कहते हैं और कश्मीर की आजादी और वादत के हवाले से उनके वो कितने पुरउम्मीद हैं और उनके ख्याल में यहाँ से आगे अब बेहतरीन रास्ता कौन सा है। हम इस पे कल बात करेंगे डेफिनेटली। और आज इजाजत, अल्लाह हाफिज़।